उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ब्लॉक रामपुर संग्रामगढ़ में मोठिन महमूदपुर रुद्र प्रतापपुर समेत कई ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर बीडीओ रामपुर संग्रामगढ़ को शिकायती पत्र दिया और ग्राम प्रधान की शिकायत करते हुए अपनी पीड़ा बयां की। ग्राम सभा मोठिन के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास न मकान है न ही शौचालय और पेंशन भी नहीं मिल पा रहा। ग्राम प्रधान से अपनी समस्या को लेकर मिलते रहे हैं किंतु सालों बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं मिल पाया, जबकि हमारे ही गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आवास मिला है, जिनके पास पहले से ही पक्के मकान है। इन सबके बीच एक दिव्यांग महिला गुलाब कली ने रोते हुए अपनी व्यथा बताई कि वे पति पत्नी दोनों लोग आंखों से देखने में असमर्थ और हमारे दो बच्चे हैं, उनके पास भी ना तो रहने के लिए घर है ना ही शौचालय। इस कड़ाके की ठंड में पॉलिथीन डालकर गुजारा करने को मजबूर है। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रहा है। हाँ, प्रधान जी से बताए, प्रधान जी हमका ले गए रहे एक बार जब लोहिया आवास आए रही तो हमका ले गए रहे प्रतापगढ़। आखिरी में बताए कि अब तो है ना आज फाइनलिस्ट में नहीं है, तो फिर कहे तो का छोटी वाली आवास दे। जब छोटी वाली आवास आए तो हमारे गांव जिकरे पास घर है उनके पास दो दो आवास आए, हमारे पास एक को आवास नहीं, हमारे पास छपरा है। और पक्का मकान नहीं है पास? नहीं, देख लें अब चल के जांच कर लें। अच्छा। यही हम सोचा थे, जिकरे पास मकान है ओकरे बड़े लोहिया आवास मिली, ओकरे बड़े सब चीज मिली। वहीं अन्य महिलाओं ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उनसे आवास दिलाने के नाम पर पैसा मांगा गया, पैसा ना दे पाने की वजह से उन्हें अपात्र कर दिया। इन्होंने नाम नहीं प्रिया मनरेगा में काम नहीं किया होगा इसलिए बाद में, लेकिन उनको आवास मिले। एक तरह से देखा जाए तो ऐसे लोगों को, ऐसे पात्रों को तो जल्दी आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जो विकलांग है उनको तो बेटर लगना चाहिए दोनों रूप से, पति पत्नी। देखिए, क्राइटेरिया भारत सरकार ने बनाई थी मनरेगा में काम करने वाले दिनों के आधार, ठीक है, उसी आधार पे उसकी प्रायोरिटी सूची बनी हुई है। अब प्रायोरिटी सूची में हम अगर नीचे के क्रम पे देते हैं तो ऊपर के क्रम वालों को किसी कारण से अपात्र होने पर ही दे सकते हैं। जो विकलांग है वो कैसे काम कर सकता है, उसके लिए कुछ वेटेज है कि नहीं? विकलांग है वेटेज, विकलांग लोगों को पेंशन सरकार दे ही रही है, विकलांग पेंशन दे ही रही है। उसका कहना सर उसका कुछ भी नहीं मिल रहा है, रहने की भी व्यवस्था नहीं मिल रही है। अगर पेंशन अगर उन्हें नहीं मिल रही है तो पेंशन के लिए उन्होंने आवेदन नहीं किया होगा। पूरे मामले में बीडीओ दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि पात्रता की सूची मनरेगा के कार्ड धारकों के आधार पर तय की जाती है, जिसकी वजह हो सकता है कि कुछ लोग सरकारी लाभों से वंचित। इन ग्राम सभाओं की जांच कराई जाएगी और शीघ्र ही पात्र एवं जरूरतमंदों को आवास शौचालय पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी।